हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। इसको डिस्कस करने के दो तीन रीजंस हैं। एक तो इस पे जो न्यूज है, सेकेंडली इसके जो फंडामेंटल्स हैं, और थर्ड इसका टेक्निकल्स। आज इस वीडियो में हम इसके सिर्फ टेक्निकल्स को कवर करेंगे। फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फंडामेंटल्स के अंदर इसके कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जो इनका विजन है अगले 3 साल में डेट फ्री होने का, तो वो सेम ही चलेगा। प्राइस जो होता है शेयर मार्केट में वो प्लस माइनस होता रहता है, बट कंपनी अपने हिसाब से काम करती है बैकग्राउंड में, और वो उनका काम चल रहा है। और डेट फ्री होगी तो शेयर प्राइस पे भी उसका असर देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस होते हैं निफ्टी के अकॉर्डिंग और ग्लोबल मार्केट्स के अकॉर्डिंग ड्राइव होते हैं ऊपर नीचे। तो टेक्निकल्स इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल्स में क्या फ़र्क होता है वो हम एक बार बता देता हूँ मैं आपको। फंडामेंटल, जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को ही चेक करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल में जैसे कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, मिड कैप की है, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, कौन से सेक्टर में काम करती है, फार्मा में है, FMCC में है, IT में है, बैंकिंग में है, कौन से सेक्टर में है, अपने सेक्टर में कौन सी जगह पे वो प्लेस है, मतलब कि टॉप पोजीशन पे वो आती है, लीडरशिप क्वालिटी है, या एक मिड सेगमेंट में आती है, या एक ग्रोइंग कंपनी है, लोअर लेवल पर है अभी और ग्रोथ अच्छे चांस हैं, उसे ग्रो अच्छा कर सकती है। तो मोट लेवल कैसा है, कोई और अदर प्लेयर्स आके, नया प्लेयर आके उसे कंपटीशन दे सकता है, तो दूसरे प्लेयर्स की एंट्री लेवल कैसा है। जैसे अगर आप देखेंगे जो रिफाइनरी बिजनेस वगैरह है, इसके अंदर दूसरे प्लेयर्स इतनी जल्दी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई भी प्लेयर कभी भी एंट्री कर सकता है और कंपटीशन दे सकता है। तो उसका मोट लेवल कैसा है वो हम चेक करते हैं। रेशियोज हम चेक करते हैं, ROC कैसी है, ROE कैसी है। ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, उसकी बुक वैल्यू कैसी है, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे हैं, कंपनी पर डेट कितनी है, ये फंडामेंटल्स में आते हैं। डेट ऑन इक्विटी रेशियो कैसी है, डेट इक्विटी रेशियो, कंपनी डिविडेंड कैसा देती है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सारे फंडामेंटल्स को देख के तो लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं, तो डिविडेंड भी हम चेक करते हैं कैसे हैं। रिजल्ट्स कंपनी के कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, सेल्स कैसी आ रही है और उसके अंदर ग्रोथ कैसा है, जो कंपनी प्रॉफिट्स दे रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दे रही है, नेट प्रॉफिट्स दे रही है, उसके अंदर ग्रोथ कैसा है, कंपनी की जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो कैसे हैं, वो भी हम चेक करते हैं। इन सबको चेक करने के बाद जैसे आप प्रमोटर होल्डिंग्स को भी चेक करते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कैसी है उसके अंदर, FII कैसे हैं उसके अंदर, कितनी उनका स्टेक है, DII का कितना स्टेक है, प्रमोटर ने कोई प्लज तो नहीं कर रखे शेयर्स। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं इसके बेस के ऊपर एक कंपनी के फंडामेंटल्स को जज किया जाता है, और उसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि कंपनी कैसी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंपनी का आगे फ्यूचर ग्रोथ कैसा है जिस फील्ड के अंदर वो काम करती है। तो इन सब को देखने के बाद हम एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कंपनी अब फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब बात आती है टेक्निकल्स की। अब एक कंपनी सपोज करो 100 रुपये पे काम कर रही है, तो टेक्निकल्स हमें ये बताते हैं कि हमें किस लेवल पे उस कंपनी को लेना है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जाते हैं उसके अंदर हम उसका जो सपोर्ट जोन होता है उसके ऊपर हम उसे लेते हैं। अगर एक कंपनी 120 रुपये पे काम कर रही है और सपोज करो उसका जो सपोर्ट जोन बनता है, बाइंग जोन बनता है, वो 100 के आसपास है, क्योंकि हमें 3-4 साल 5 साल के लिए स्टॉक को रखना है। तो जैसे जैसे वो अपने सपोर्ट जोन के आसपास आएगी तो उसे हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर कोई ट्रेडिंग के लिए कर रहा है तो वो अपने स्टॉप लॉस लगाता है सपोर्ट जोन के नीचे, जस्ट नीचे उसका सपोर्ट जोन जो स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हैं उनका जो व्यू होता है वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने के आसपास का रहता है, तो बेसिकली वो लगाते हैं स्टॉप लॉस। बट जो लॉन्ग टर्म के होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस लेवल पे आके खरीदारी करते हैं, क्योंकि जब बेरिश मोड होता है सब बेच रहे होते हैं उस टाइम पे हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमें ऐसे प्राइस पे लेना है जो हमें सस्ते से सस्ता हो और आगे जाके अच्छा रिटर्न दे दे। तो टेक्निकल्स हमें बताते हैं कि कितना इसके अंदर डाउनसाइड है, कितना इसके अंदर आगे जाके रिवार्ड हमें मिल सकता है। तो रिस्क कम से कम होना चाहिए टेक्निकल्स अगर हम स्टडी कर लेते हैं, और
रिवार्ड अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो आज हम टाटा मोटर्स की इसके ऊपर स्टडी करते हैं। आज भी ये प्रेशर में है 2.31% के आसपास, 160.75 का इसका प्राइस चल रहा है लाइव मार्केट में। निफ्टी को एक बार हम देख लेते हैं, निफ्टी कैसे काम कर रही है। निफ्टी देखेंगे अभी 7-8 पॉइंट के आसपास डाउन है, 13,320 आप देखेंगे ओपन हुई और काफ़ी नीचे ये गई थी, 13,219 के आसपास का इसने लो बनाया था 9:45 के आसपास। अभी 10:38 के आसपास ये काफ़ी रिकवर हुई है और 13,317 के आसपास पहुंच गई है, आप देख सकते हैं इसे। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की, पहले न्यूज़ की और उसके बाद फिर टेक्निकल्स को हम डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स टू इंक्रीज कमर्शियल व्हीकल प्राइसेस फ्रॉम जनवरी, ये जो न्यूज आई है कल शाम के आसपास की न्यूज है, 21 दिसंबर 7:51 की। तो क्या कहा है टाटा मोटर्स ने, ऑन दिसंबर 21 टाटा मोटर्स सेड इट्स कमर्शियल व्हीकल्स प्राइसेस विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड फ्रॉम जनवरी नेक्स्ट ईयर। द स्टडी राइज इन मटेरियल एंड अदर इनपुट कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ फोरेक्स, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है इम्पैक्ट फोरेक्स का जो हो रहा है, एंड ट्रांजिशन ऑफ BS6 नॉर्म्स हैव कम्युलेटिव इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स। तो प्राइस रिवाइज ये करना चाह रहे हैं, जो इम्पैक्ट आ रहे हैं जो फोरेक्स का है, इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल की है, और जो ट्रांजिशन हो रहा है BS6 के नॉर्म्स पे, तो उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट बढ़ रही है तो ये भी अपना कॉस्ट आगे पास ऑन करेंगे। और ये जो इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव होंगी जो कॉस्ट होंगी कमर्शियल व्हीकल की। तो कौन कौन से ये बता रहे हैं, इट इज एक्चुअल चेंज इन प्राइस विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल मॉडल वेरिएंट एंड फ्यूल टाइप। तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट जो है इंक्रीज होगी। तो ये इसके ऊपर न्यूज़ थी, जो एक अच्छी न्यूज़ है, इनके अपने मार्जिन जो है इसे मेंटेन रहेंगे। टाटा मोटर्स का अब चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, डेली चार्ट इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। डेली चार्ट पे अगर आप देखें RSI अभी जो काम कर रहा है ये 161 के आसपास काम कर रहा है, आप देख सकते हैं इसे ये 161 के आसपास है। तो डाउनसाइड इसके अंदर क्या बनती है, डाउनसाइड इसके अंदर जो बनती है, पहला लेवल तो ये कल इसने क्रॉस किया है 165 के आसपास का वो बनता था, अब इसकी जो डाउनसाइड है 152 के आसपास बनती है, इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। हम इसका एक बार RSI भी चेक कर लेते हैं, RSI क्या कह रहा है इसका। RSI जो है आप देखेंगे RSI इसका 39 के आसपास अभी आ रहा है, ना तो ये ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में, बट एक बात आप देखेंगे ये RSI जो है यहां पर भी इसने यहां से बाउंस बैक किया था, इस लेवल पे आप देखिए, इस लेवल पर इसने बाउंस बैक किया था जब यहां पर ये आया था इस लेवल पर, और उसके बाद अच्छा मूवमेंट इसने दिया था। यहाँ पर भी जो RSI थी आपकी ऑलमोस्ट 36-37 के आसपास थी, अभी जो RSI चल रही है वो 39 के आसपास की चल रही है। इसे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसी लेवल पर आकर इसने बाउंस बैक किया था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इस लेवल पर आप देखिए यहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर इसने बाउंस बैक किया था। तो इस लेवल के आसपास ये जो RSI है ये बाउंस बैक दिखाता है इस लेवल पे। तो ये हुई RSI, RSI जो है 38-39 के आसपास चल रही है। एक और MACD भी हम लगा लेते हैं, MACD क्या हमें शो कर रही है, MACD जो हमें क्रॉस ओवर दिया है वो हमें इस लेवल पर क्रॉस ओवर दिया था, इसने बनता है 9 दिसंबर के आसपास इसने 186 का जो प्राइस था हाई और लो जो था 182 के आसपास का, तब इसने नीचे क्रॉसओवर दे दिया था हमें। जो क्रॉसओवर दिया था वो शॉर्ट टर्म में सेलिंग साइड में इसने हमें क्रॉसओवर दे दिया था, आप देख सकते हैं क्लियर ये लाइन इसे नीचे क्रॉस कर गई है, तो यहाँ पर इसने क्रॉसओवर दे दिया था कि इसके अंदर थोड़ी सी विरिश मोड बन रहा है। इसके अंदर हम एक बार बोलिंजर बैंड भी लगा लेते हैं, जितना हम स्टडी करते हैं उतना ही आगे के लिए अच्छा रहता है, किस प्राइस पे हमें इसे लेना है, क्योंकि कई लोग इस प्राइस पे भी लिया होगा बट उन्होंने अगर स्टडी किया होगा कि क्रॉसओवर किया है MACD ने, तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, शायद हमें नीचे मिल जाए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हमें लेना चाहिए। तो बोलिंजर बैंड को भी अगर हम स्टडी करते हैं, अब बोलिंजर बैंड को देखेंगे, बोलिंजर बैंड के बिल्कुल लोअर जो बैंड है उसका, उसके एंड पे ये चल रहा है, उसे भी इसे नीचे क्रॉस कर दिया है, कल के सेशन में नीचे क्लोजिंग दी है बोलिंजर बैंड के। तो आप बोलिंजर बैंड पे देखेंगे तो बोलिंजर बैंड पे इसने यहाँ पर भी नीचे क्लोजिंग दी थी, देखिए आप यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी थी इसने पहले 22 सितंबर को,
तो 2003 कैंडल इसके नीचे बनी थी, उसके बाद एक अपवर्ड मूव इसके अंदर देखा गया था, 146 के लेवल पे चला गया था। अब देखिए 122 का जो था इस कैंडल का, 122 बुलिंजर बैंड से बाहर आके इसने क्लोजिंग दी थी 122 के आसपास, और अगली ही कैंडल्स इसने ग्रीन बनानी स्टार्ट की थी और एक सडनली ये 146 के आसपास चला गया था, 122 से 146। तो एक अच्छा मूव दिखाया था। तो बुलिंजर बैंड के लोअर एंड के ऊपर ये अच्छा सपोर्ट लेता है जब भी आता है, तो वैसे आता कम है आप देखिए, बट जब भी आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है। आप देखिए पहले लोअर एंड पे आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आया था ये, बट यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छा मूव इसने ऊपर दिया था, और देखिए हायर एंड पे ही इसने काम किया है। अब ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ही रिवर्स कर सकता है इस एंड के लिए 178 के टारगेट्स के लिए, क्योंकि ये जो मिड लाइन है इसके ऊपर जा सकता है बिल्कुल। तो इसके बाद हम एक बार सुपर ट्रेंड देख लेते हैं, सुपर ट्रेंड हमें क्या कह रहा है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सुपर ट्रेंड भी एक बार हम लगा के देखते हैं। जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड अभी हमें बिकवाली की ओर इशारा कर रहा है, कल ये बिकवाली की ओर इसने इशारा कर दिया था कि इसके अंदर थोड़ी सी बिकवाली बन रही है, वीरिश मोड के अंदर है, और जो रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है वो 191 के आसपास का ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसके अंदर बिकवाली बन रही है। जो सुपर ट्रेंड ने हमें सिग्नल दिया था वो सिग्नल हमारा था, आप देखिए 10 नवंबर के आसपास इसने हमें सिग्नल दिया था, जब जो प्राइस था 142 का इसका लो था, अगर हायर एंड पे भी किसी ने उठाया था 146.7 के ऊपर इसने उठाया था, तब भी उसे अच्छा इसने मुनाफा बना के दिया। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सिग्नल दिया था कि ये अब बुलिश मोड में आ गया है, इसके अंदर मतलब कि बाइंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं सिग्नल कैसे चेंज होते हैं जब भी प्रेशर आता है, और यहाँ पर इसने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर बुलिश है, बट इसने कल के सेशन में जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रीच किया है 166.49 को जैसे ही इसने ब्रीच किया, तो इसने सिग्नल दे दिया था कि ये वीरिश मोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये जो लेवल बन रहा था सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो 166.49 का बन रहा था, इससे नीचे ये वीरिश मोड में चला जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 191 के आसपास का बन रहा है। इसके बाद हम पैराबोलिक बार को भी देखते हैं, पैराबोलिक बार क्या कह रही है। पैराबोलिक बार भी हमें इंडिकेट कर रही है, सिग्नल दे रही है, जैसे MACD ने हमें सिग्नल दिया था, इसने भी 10 सितंबर को हमें सिग्नल दिया है इसे बाई की तरफ, सेलिंग साइड की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो है सेलिंग साइड का है, ये नीचे बाइंग साइड का सिग्नल है। ये जो इसने बुलिश मोड दिया था, अब देखिए कितना अच्छा ये काम करता है, इसने 6 नवंबर को यहाँ पर 134 के आसपास इसने 137 के आसपास इसने बाइंग सिग्नल दिया था, और ये सिग्नल हमारा चला था ऑलमोस्ट यहाँ तक, यहाँ पर इसने आके कन्वर्ट किया था 182 के आसपास कि इसके अंदर अब बिकवाली हो सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली हो सकती है, जैसे लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर छोटा मोटा भी यहाँ पर करेक्शन आया तो उन्होंने यहाँ लेना स्टार्ट कर दिया होगा, बट जब तक ये थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं हो जाता है, जब ये सिग्नल नहीं देता है बाइंग का, तो हमें वेट करना चाहिए। अब ये सिग्नल दे रहा है, ये इसके अंदर सेलिंग हो सकती है, तो ये इंडिकेट इस चीज को कर रहा है। एक पिवट लेवल भी हम चेक कर लेते हैं इसके, क्योंकि जब भी हम किसी शेयर में करते हैं तो ये 8-10 चीजें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए, और 8-10 मिनट ही हमें लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए चीजें काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं जब हम कलेक्ट करते हैं। कोई भी कंपनी जो होती है अच्छी या बुरी हमारे बाइंग प्राइस से बनती है। अगर लाइंस को किसी ने, कोई भी उसे खराब नहीं कह सकता, कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने आप में डाइवर्सिफाइड है, इतने एक्विजिशन उन्होंने किए हैं, इतने बार का पैसा उसके अंदर लगा है, बट अगर किसी ने उसे 2300-2300 के प्राइस पे खरीदा है, रिसेंटली खरीदा है 2300-2300 के आसपास, तो उसके लिए वो कंपनी बहुत ही बेकार हो गई होगी, क्योंकि शेयर चल रहा है 1900 के आसपास, तो उसे काफी वेट करना पड़ेगा, 20% की करेक्शन उसके अंदर भी हो चुकी है। तो हमारा बाइंग प्राइस हमें बताता है कि कंपनी कैसी है, अगर हमने उसके अंदर वेट किया होता और वही चीज हमने पहले उठाई होती 1600-1700 पे या 1500 के ऊपर भी, तो वो कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छी होती, क्योंकि हमें प्राइस 1900 का मिल रहा है। तो बाइंग प्राइस ही हमें बताता है कि कंपनी अच्छी या बुरी हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए पिवट लेवल के ऊपर ये इसका जो सपोर्ट जोन है, वंस इसने भी यहाँ का सपोर्ट जोन दिया था, जैसे हमने उसके अंदर देखा था, यहाँ पर इसका 165.22 का एक सपोर्ट जोन था जो कल इसने नीचे क्लोज किया है। आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जूम करके, तो यहाँ पर इसने इसके ऊपर ये चल रहा था रेगुलरली,
बट कल यहाँ पर इसने 165.23 को ब्रीच किया है, तो इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। इसका जो सपोर्ट जोन बनता है इसके अकॉर्डिंग वो बनता है 147 के आसपास का, तो 152-147 के आसपास का अगर प्रेशर लेता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। ये नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। आप अगर पिछला इसका ट्रेंड देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर ही इसने काम किया है, जैसे यहाँ पर इसके लेवल के ऊपर काम कर रहा था, इस लेवल के ऊपर ही काम किया, कभी भी इसने फर्स्ट सपोर्ट को टच नहीं किया है। तो यहाँ पर भी ये इससे ऊपर ही काम करेगा, यहाँ पर इसने इसको टच नहीं किया है। आप देख सकते हैं इस लेवल को इसने कभी टच नहीं किया था, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं इस लेवल को इसने टच नहीं किया है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं इस लेवल को टच नहीं किया, फर्स्ट सपोर्ट को टच नहीं किया है इसने, यहाँ पर भी इसने फर्स्ट सपोर्ट को टच नहीं किया है, यहाँ पर भी फर्स्ट सपोर्ट को टच नहीं किया है। तो पिवट लेवल की जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही ये बन के रहता है, तो इस को माना जा रहा है कि इस लेवल को ये टच नहीं करेगा। अगर मार्केट सपोर्ट करती है तो इस लेवल को ये टच नहीं करेगा, इससे ऊपर ही ये मूव बैक कर जाएगा। ऑलमोस्ट 152 से इसका वापसी होना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम उतनी ही इसके अंदर बनती है। एटीआर स्टॉप लॉस भी हम देख लेते हैं, एटीआर स्टॉप लॉस क्या कहता है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स होते हैं, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये आपको अभी छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ATR स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर इसने हमें बाइंग साइन दिया था 7 अक्टूबर के आसपास, जब इसका प्राइस 139 के आसपास चल रहा था, और इसने कहा था कि यो उस टाइम पर स्टॉप लॉस लगाना है वो 125.72 के आसपास का लगाना है। तो आप देखिए शेयर इसने यहाँ पर बाइंग दिया था जब ये चल रहा था ऑलमोस्ट 141 के आसपास, आप देख सकते हैं 141 के आसपास चल रहा था, इसने बाइंग साइन दे दिया था, तो उसके बाद इसका जो स्टॉप लॉस था वो 125.72, यहाँ देख सकते हैं आप साइड में वन इस लाइन पे, उसके बाद इस लेवल को इसने टच नहीं किया है, ये स्टॉप लॉस बना हुआ था बिल्कुल, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी इसको यूज करते हैं, इस लेवल को इसने टच नहीं किया है। इसके बाद ये ऊपर गया, अगेन इस लेवल पे ही स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मतलब कि इस लेवल के आसपास अगर ये शेयर आता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इसके अंदर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसके बाद इस शेयर ने इस लेवल को टच नहीं किया और ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अगर आया शेयर तो इसने जैसे इसने ऊपर दिखाया तो इसने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी चेंज कर दिया, 130 कर दिया, पहले 125 था, उसके बाद इसने 126 के आसपास का 130 कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 130 किया। इसके बाद जैसी प्राइस यहाँ पर ऊपर गया तो इसने अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर दिया 141। इससे क्या होता है कि जिसने यहाँ पर खरीदा हुआ है तो उसको लॉस, यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये अपना स्टॉप लॉस भी इंक्रीज करता चला जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ये। जैसी शेयर यहाँ पर पहुंचा इसने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 154 कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस जो था 125 के आसपास का था, यहाँ स्टॉप लॉस इसने अपना आप इंक्रीज करके 155 के आसपास कर दिया। अब इसने यहाँ पर जाकर इसको जैसे ही स्टॉप लॉस को टच किया, क्योंकि ये स्टॉप लॉस चल रहा था हमारा 166.25 को, आप देखेंगे कि सभी ने इसको दिखाया है, सुपर ट्रेंड हो चाहे आपका पिवट पॉइंट्स हो और चाहे एटीएस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, सबने 166 का जो लेवल था 165-166 के लेवल को एक अच्छा सपोर्ट जोन बताया था, जो कि इसने कल के सेशन में ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है तो ऐसा नहीं है कुछ फंडामेंटल्स इसके चेंज हो गए, फंडामेंटली अभी भी वैसे ही है, सिर्फ ये है कि हमें ये नीचे के लेवल्स पे खरीदने को मिल सकता है अगर ये 152 के आसपास आता है। तो देखिए जैसे ही इसने इस जोन में चल रहा था, जैसे ही इसने इस लेवल को टच किया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स थे उन्होंने इस लेवल पे लगा रखा था, यहाँ पर ये निकल गए हैं। अब इसने यहाँ पर दे दिया है सेल सिग्नल, और जो भी इसके अंदर सेल करना चाहते हैं वो इस स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो बनता है इसका 184 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बन सकते हैं। जब तक ये लेवल टच नहीं होता है आप इसके अंदर शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो हैं अकोमोलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये होते हैं हमारे टेक्निकल, हमने टेक्निकल्स में डिस्कस किया सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस इसका यही रेजिस्टेंस है ऊपर का, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये इस लेवल तक बिल्कुल टच करेगा आने वाले टाइम में।
और जो सपोर्ट जोन बन रहा है 152-153 का बन रहा है। पहला सपोर्ट जोन इसने कल ब्रेक कर दिया है 165-166 को। अब इसका जो सपोर्ट जोन बन रहा है 152-153 के आसपास बन रहा है। हायर साइड में अगेन 190 के आसपास का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बट फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। मार्केट अगर सपोर्ट करती है, 200 को क्रॉस करता है, तो हमारे टारगेट्स अभी भी 2-3 times अभी भी इंटैक्ट हैं, वही हम रख रहे हैं। और टेक्निकली हमने डिस्कस कर लिया, RSI भी डिस्कस कर लिया, अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। MACD हमने डिस्कस किया, सुपर ट्रेंड भी हमने डिस्कस कर लिया है, पैराबोलिक सार भी हमने डिस्कस किया है, बुलिंजर बैंड भी हमने लगा के देखा है, पिवट लेवल्स भी हमने देख लिए हैं, ATR स्टॉप लॉस भी हमने देखा है। तो हर टाइप के हमने टेक्निकल्स देखे हैं और हर एक पे अच्छा इसका सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा था, 165-166 आ रहा था, और अब जो है 152-153 के आसपास निकल कर आ रहा है। एक बेरिश जोन में जरूर है ये कुछ टाइम के लिए, बट जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट करेगी तो ये अप ट्रेंड में द्वारा आपको दिखाई देगा। आप खुद इसकी स्टडीज भी कर सकते हैं, आप फंडामेंटल इसके हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो फंडामेंटल में कोई चेंजेज नहीं है, सेम है। तो आपका एक प्राइस हम अभी भी देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, 160.45 के आसपास चल रहा है, और निफ्टी जो चल रहा है अभी द्वारा 36 पॉइंट के आसपास डाउन हुआ है। तो प्रेशर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बट सपोर्ट जोन कहाँ है वही हमें पता होना चाहिए, हमारे एंट्री पॉइंट कहाँ होने चाहिए, हमारे एग्जिट पॉइंट कहाँ होने चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इन टेक्निकल्स का मतलब ही ये होता है, मैं हमेशा इनको लगा के ही आगे बढ़ता हूँ। और देखो, कहीं पर भी आप हवा में चीज़ों को नहीं खरीद सकते हो कि आपने यहाँ पर खरीद लिया है उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर स्टॉप यहाँ जाता है तो आप पैनिक होंगे, आप उस अपनी होल्डिंग नहीं रख पाओगे, और आपको धीरे धीरे ही उन चीज़ों को अकोमोलेट करना होता है। आप ऐसा नहीं है यहाँ पर खरीदा तो यहाँ खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, आपको नीचे ही खरीदना है, उसके सपोर्ट जोन का वेट करना है, कि लॉन्ग टर्म में अगर आप लगा रहे हो पैसा तो जितना आप नीचे के अच्छे प्राइस पे खरीद पाओगे उसके सपोर्ट जोन पे खरीद पाओगे। कुछ खरीदना था 165-166 क्योंकि ये तो उम्मीद थी कि 165-166 को एक बार ये टच करेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा था, टच करेगा ही करेगा, पर ये नहीं था कि मार्केट इस टाइप से बिहेव करेगी और ये 165-166 को ब्रेक कर देगा। अब जो है 152-153 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। अगेन इसके टारगेट्स ऊपर के ही बनते हैं, ये बहुत ही अच्छा स्पॉट जोन है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।